अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और आज मैं एक बहुत ही क्विक और यमी रेसिपी बता रही हूँ, एक ड्रिंक की। एक सॉफ्ट ड्रिंक हम बनाते हैं घर पे, और उसकी रेसिपी मेरे मियाँ को पता है। मैंने जब भी बनाई मुझसे अच्छी नहीं बनी, तो आज वो बनाएंगे। खाली मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सोडे का कैन, और ये आपका सोडा है विदाउट फ्लेवरिंग, विदाउट शुगर एनीथिंग, खाली ये सोडा है, ये होगा। और ये है हमारे पास, क्या है ये? चीनी। इंग्लिश में शुगर। ओके, तो चीनी है हमारे पास 2 से 3 चमचे। और इसके अलावा हमारे पास चीनी, व्हाट इज दिस? लेमन। ओके, तो मैंने 2 लेमन काटे, तकरीबन 1.5 शायद जाएगा, डिपेंड करता है जूस कितना निकलता है लेमन में। और एक मैंने ग्लास पानी लिया, पानी भी इसमें जाता है। इसके अलावा ये है हमारे पास, क्या है ये? काला नमक। काला नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा। और ये मैंने नींबू को निचोड़ने के लिए ये निकाल के रखा है। और इसमें होगी सारी मिक्सिंग हमारी। और ये मुझे ग्लासेस बड़े अच्छे मिल गए थे, तो ये इसके साथ बहुत अच्छे जाते हैं। और ये मुझे मिले थे होम सेंटर से, तो हम इसमें पोर करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे खाने के साथ। तो शुरू करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी शेफ, आज आप क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं शेफ है मेरा, और बेसिकली वर्जिन मोहितो। वर्जिन मोहितो अल्कोहल नहीं डलता। तो सबसे पहले हम इसमें लेमन स्क्वीज कर देंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि ये स्क्वीजर रखूँ, जिससे कि और कभी कभी काफी सख्त लीमो आता है, आराम से इसका जूस ही निकल रहा, पूरा जूस इससे सब निकल जाता है, तो मुझे इसमें थोड़ा सा आसानी होती है। तो पहले वैसे एक काफी है, मैंने ये एक लेमन काफी है, बट ठीक है, इसके लिए मैं जो है इसमें 1.5 लीमो। ओके, वो मैंने एक्स्ट्रा काट लिया। बाय द वे, ये सीड मैं प्रेफर इसमें करता हूँ सीडलेस लाइम, क्योंकि फिर वो उलझन होती है फिर उसमें से सीड निकालना। तो वो ये देख, जैसे आप देख सकते हैं, सीडलेस। तो जब भी मैं हम लोग जाते हैं ग्रोसरी पे, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि हम सीडलेस लाइन लेके। ओके ओके, अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक टेस्ट के लिए। ये हमने पाकिस्तान से लिया था। हम इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं? चाट मसाला नहीं डालेंगे, उससे बहुत बहुत तेज टेस्ट आता है। मैंने एक दफा मैंने बनाया था, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एक इसको थोड़ा सा, अच्छा ये ले लें आप थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें आप हसबे जायका डाल सकते हैं। मैं तकरीबन स्पून ले लें, ऐसे मैं थोड़ा सा हसबे जायका एक के लिए बस। अच्छा, चूंकि इसमें लेमन अच्छा खासा है, तो चीनी आपको इसमें थोड़ी ज्यादा दरकार होगी, कम से कम ये टीस्पून है, तो एटलीस्ट 2 से 3 टीस्पून इसमें कम से कम। अच्छा, ये करने के बाद इसमें डेढ़ टेबल स्पून। तो अब इसको या तो आप इसमें, चूंकि लेमन की क्वांटिटी थोड़ी कम है, तो इसको मिक्स करने के लिए बेहतर है कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप कंप्लीट सोडे में बनाएं इसको। हम पहले चीनी को मिक्स नहीं करेंगे? नहीं, आप थोड़ा थोड़ा सोडा डाल के थोड़ा मिक्स करें। तो आप इसमें पानी भी है, आधा पानी और आधा सोडा भी यूज कर सकते हैं। आधा पानी आधा सोडा मुझे ज्यादा बेटर लगता है, तो लेकिन थोड़ा सोडा डाल के। और सोडे में कोई फ्लेवर नहीं है, कोई बेसिकली कार्बोनेटेड वाटर है ये, आप देख सकते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, तो इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा सा चूंकि ठंडा है तो थोड़ा चीनी को गलने में टाइम लगता है, हमें पानी के साथ मिक्स करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मसला नहीं है, हम ये आपको मेक श्योर कि चीनी कम्प्लीटली घुल जाए, टेस्ट हम करके फिर हम देख सकते हैं हमें चीनी की अगर थोड़ी सी और जरूरत है या नहीं। इसमें हम पुदीना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? पुदीने का बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास पुदीना है, पानी थोड़ा सा ना, चूंकि आपको कोल्ड ड्रिंक वाला टेस्ट है, तो वो कार्बोनेटेड फ्लेवर पानी भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा पानी नहीं, वो फिर उसका थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। तो आई थिंक आप इसको है और गांव बसा नहीं लुटेरे आ गए। अच्छा, इससे काला नमक डालने से ना बड़ा अच्छा एक सॉल्टिश, और हाजमे के लिए, हाजमे के लिए बेस्ट है। हाँ, दे दी आपको, 2 मिनट्स बनने दो अच्छी तरह टेस्ट कर लें। अगर
नहीं नहीं बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इसमें, बड़ा मजेदार टेस्ट हो गया। थोड़ा सा हम इसमें काला नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा आपने बहुत ज्यादा डाला। नहीं नहीं थोड़ा सा और हम डाल दें। कितना आप मुझे अंदाजा बताएं? एक टीस्पून भी नहीं, डिपेंड करता है अगर आपका इतना छोटा ग्लास है तो हाफ टीस्पून शुड बी इनफ, डिपेंड करता है टेस्ट के हिसाब से। इसी तरह मिक्स कर लें। बहुत जबरदस्त इसका टेस्ट आ गया। तो पानी डाल नहीं, नहीं नहीं पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, नहीं अब आई थिंक हम इसमें थोड़ा सा अब हम इसमें पोर करते हैं। अब आप इसको इसके ऊपर मिंट भी डाल सकते हैं, लेमन का स्लाइस मैं अभी करके देती हूँ, गार्निशिंग का काम मेरा है। और आई थिंक आप इसमें जो है अगर आप और ठंडा चाहते तो आइस क्यूब है फ्रिज में, मैं लेके आइस क्यूब इसमें डाल। ओके तो जैसे मैंने एक लीमू की गार्निशिंग कर दी है, वैसे तो इसमें लीमू ही लीमू बने बट हम थोड़े ज्यादा ही शौकीन हैं। तो देखें आप ऐसे करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और मिंट लीव्स या आप ऐसे ऊपर छोड़ दीजिए इसको हवा में महलूल। और ओके तो अब मैं इसमें डाल ली हूँ हमारे आइस क्यूब्स। और अभी मौसम क्योंकि गर्म हो गया, मैं खाना बनाई थी मुझे गर्मी लग रही थी, तो इट्स बेस्ट कि आप इस मौसम में ये एंजॉय करें खाने के साथ। और बड़ा इसका मज़ेदार, तो बस रेसिपी हो गई है ख़त्म। इसके साथ साथ हमें इजाज़त दें और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी रेसिपी शेयर की हमारे साथ। वेलकम। और नेक्स्ट क्या आप शेयर करेंगे? थैंक यू। ओके चलिए बस अल्लाह हाफिज़।